Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. अभी किसान कोई भी फूल मंडी में नहीं आते हैं, जो लोकल फूल थोड़े 10-20 किलो आ जाते हैं, मंदिर में जूते के लिए ले जाते हैं यहाँ से थोड़े थोड़े, और बाकी सब किसान अभी सब घर पे सुखा रहे हैं. और सारे फूल जो भी कच्चे फूल गुलाब के अलावा गुलाब सूखने में काम में आ जाती है, लेकिन दूसरे फूल कच्चे हैं जो तोड़ के किसान घर पे ही पटक रहे हैं, बाज़ार में नहीं ला रहे हैं. सब्ज़ी के अलावा कोई फूल बाज़ार में नहीं आता है. वो मंदिर मस्जिदों के लिए जो लोकल किसान है वो लेके आ जाते हैं 10-20 किलो फूल, और इससे बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुलाब का बहुत बड़ा होता है, कम से कम 20 करोड़ रुपये का माल अब तक 22 तारीख लॉकडाउन से अब तक का नुकसान हो गया है. सर, सबसे ज़्यादा फूल जैसे दरगाह जाता है, सबसे ज़्यादा जो फूल जाता है, जो गुलाब के फूल जाते हैं, दरगाह जो दरगाह बंद है, ब्रह्मा मंदिर बंद है, सारे मंदिर बंद है. ऑल इंडिया में ही कम से कम ने 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. सब सर अभी फूल जैसे आ भी रहा थोड़ा बहुत, तो क्या किलो चल रहा है? नहीं अभी तो सब आ रहा, तो उसकी सेलिंग नहीं है, खाली कोई मंदिर मस्जिदों के लिए थोड़े थोड़े फूल ले जाते हैं. अब बाकी अभी नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान है. सब फूल मंडी में लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा अजमेर की फूल मंडी? अजमेर के 20 करोड़ रुपये का. अजमेर हाँ सर. पैदावार की बात करें, पैदावारी तो साहब सारी अब के बेकार हो गई. और सबसे ज़्यादा पुष्कर में गुलाब की खेती है, और जो व्यापारी देसी गुलाब के जो व्यापारी हैं वो 2-4 महीने पहले एडवांस देते हैं किसानों को पैसा, वो अब के उनको किसानों की फसल तुलाने ही नहीं गए, सब घर पे ही नुकसान हो रहा है. तो उनका पैसा अभी तो किसान से लेना संभव नहीं है, इस साल तो शायद संभव नहीं है. तो कम से कम 10 करोड़ का इसका फाइनेंस होता है एडवांस, उसका बहुत बड़ा नुकसान है. जीतमल मोरोटिया, फूल मंडी अजमेर. ऐसा है कि पुष्कर से सबसे ज़्यादा हमारी फूलों की खेती होती है, और जब से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, जब से न तो मंडियों में फूल जा पा रहे, खेतों के अंदर ही सड़ रहे हैं. और सबसे बड़ी जो भारी फसल होती है गुलाब की, और ये हमारे जो हजारे के फूल होते हैं, गुलाब तो चलो सुखाने में काम आ जाती है, बाकी जो हजारा वो तो ऐसे ही रोडों पर फेंक रहे हैं. और बहुत भारी नुकसान हो रहा होगा मंडी में. देखो ऐसा है कि सब किसानों के अलग अलग खेत होते हैं, बड़े बगीचे होते हैं, और करोड़ों रुपये का मतलब हर कोई अपना बजट लेके चलता है. लेकिन अभी इस बार मैं नहीं समझता हूँ कि हजारों के फूल भी हमारे बिके होंगे. आपका नाम? मेरा लेखराज रावत है.